बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ भाई। आज मैं आपको लेकर आया हूँ, एक बहुत बड़ी फ़िश मार्केट है कराची के अंदर, जो कि तकरीबन शायद 90% या 75% लोगों को नहीं पता होगा। यहाँ जो प्राइस है फ़िश के, वो हैं फ़िशरी वाले, बल्कि फ़िशरी से ही मुझे सस्ते लगते हैं, क्योंकि फ़िशरी में तो अगर आप लमसम ख़रीदते हैं डेयरी के हिसाब से तो आपको सस्ती पड़ती है, लेकिन किलो के हिसाब से अगर आप ख़रीदते हैं तो आपको यहाँ से मछली सस्ती और अच्छी फ्रेश मिलेगी। आज हम वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल बताते हैं सारी, किस वैरायटी की मछली है, क्या प्राइस है और ये जगह कौन सी है। आ जाएं हमारे साथ। वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। फैसल, अच्छा जी, कौन कौन सी फिश है आपके पास, जरा बताएं। ये नंबर हमारे पास तो मेरा भाई एक से एक वैरायटी की, खारे पानी की भी है, मीठे पानी की भी है। ये वाली हीरा है भाई। ये हीरा है? हाँ, हीरा ही है। इसके क्या प्राइस है? ये 450, 400 रुपए किलो दे देते हम। अच्छा, और ये सेकंड नंबर पे? ये वाली सुरमई है भाई, किंग फिश। ये पड़ेगा आपको 1000 रुपए किलो भाई। ये सुरमई 1000 रुपए किलो है? 1000 रुपए किलो। और ये फिंगर जो रखा हुआ है किसका है? सिंगर तो भाई ये सिंगाड़े का भी है इसमें और मुश्के का भी है भाई। अच्छा, दोनों है। यानी कि ये हम देते चलते हैं ऑर्डर पे, ये हम बेचते चलते हैं ऑर्डर पे। अच्छा, ऑर्डर पे हमारे ख्याल ज्यादा हो जाए तभी हम बेचते दुकान में लगा के। 900 रुपए किलो भाई। 900 रुपए किलो। 900 रुपए किलो भाई। और ये क्या है? ये कुन लग रहा है मुझे। ये वाली कुन है भाई, ब्लैक कुन। इसकी दुम होती है, ब्लैक दुम होती है भाई। अच्छा, ब्लैक की ब्लैक दुम होती है और व्हाइट की शायद व्हाइट दुम होती है। व्हाइट की दुम होती है, हरी। अच्छा, हरी होती है। हाँ, ये भी 600 रुपए किलो है भाई, अभी ब्लैक कुन। ये 600 रुपए पड़ेगी हमें। ताज़ा मछली है इंशाल्लाह। बिल्कुल फ्रेश माल मिलेगा मेरा भाई, ताज़ा। ये ब्लैक पापलेट जो रखा है, ये ब्लैक पापलेट, ये 1200 रुपए किलो भाई, ए ग्रेड का माल है बिल्कुल। ब्लैक पापलेट कितने रेट हुआ है आजकल? अभी तो कम हो गया मेरा भाई, 2200 रुपए किलो था काला पापलेट के रेट। अच्छा, जबरदस्त। और ये कौन से? ये छोटी मुश्का है भाई। ये छोटी मुश्का, ये 450 रुपए किलो है। छोटी मुश्का 450 रुपए। और इसका अगर साइज बड़ा होता है, मेरे ख्याल से ये रखा हुआ है नहीं, मुश्के का साइज बड़ा ये है भाई, ये पड़ा हुआ है। हाँ, अच्छा, ये अभी 1000 रुपए किलो, अभी रेट थोड़ा कम हो गया पहले से। यानी कि ना, ये मुश्किल को निशानी होती है ना, तीन दांत। मुश्किल का तीन दांत होता है, दांत देख लिया? दांत दिखा रहा था, कुरेशी खोल के और दिखाना भाई, इसके ओरिजिनल निशानी जो है, वरना कॉपी भी आती है। ये देखो, ये तीन दांत होती है मुश्किल की, निशानी होती है भाई मुश्किल की, ओरिजिनल है ये। अच्छा, इसके क्या रेट है मुश्किल के? ये 900 रुपए किलो है, हो जाएगा मुनासिब भाई। अच्छा, 900 रुपए नहीं, कुछ मुनासिब कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा ये एक बड़ी फिश नजर आ रही है भाई, ये वाली व्हाइट कून है। अच्छा, व्हाइट कून है ये। साइज बड़ा इसका माशाल्लाह। ये व्हाइट कून है, इसकी दुम भी हरी होती है और ताज़ा होता है ये फ्रेश। अच्छा, ये क्या किलो है? अभी तो मतलब पहले से रेट कम हो गया इसका, अभी 950 रुपये किलो। अब सर्दी थोड़ी कम हो गई ना आजकल जरा। अच्छा, और ये जो रखा हुआ बाकी, ये वाली धोतर है, गोल्डन ना, गोल्डन धोतर, असल धोतर है खारे पानी का मेरा भाई। लोग तो बोलो, बहुत सारी मछली धोतर बोल के बेचते हैं, लेकिन धोतर असल है ये। हाँ, ये बड़ा चक्कर है ना, एक नंबर दो नंबर का। ये पड़ेगा 1000 रुपये किलो, ये धोतर 1000 रुपये किलो पड़ेगा। गोल्डन है, कलर इसका बड़ा यूनिक है यार। और ये कौन सा है भाई? भाई ये हीरा है, रेड स्नैपर। रेड स्नैपर, हाँ ये हीरा है, इसका तो बड़ा नाम है। ये क्या है? ये पड़ेगा आपको 850 रुपए किलो भाई। 850 रुपए किलो। अभी रेट कम ही देगा। अच्छा, अभी रेट यानी कम हुआ है। हाँ, बार बार बात बता रहे हैं, इसका मतलब अभी कम। ये आता है जल्द चिपकपन, लेसपन होता है, यानी जल्द गड़बड़ों में ना। अच्छा अच्छा, ये इसका चिकनाट हुआ, ये निशानी है ताजा होने की। हाँ, ताजे की। अगर ज्यादा देर बर्फ में लगा हुआ होगा तो ये लेसपन खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, और दूसरी नंबर भाई क्या रहा? बाकी ये वाली रामस है, ये रामस सेलमन। अच्छा, इसकी क्या प्राइस है? ये पड़ेगा 1000 रुपए किलो, इसका रेट अभी कम है। अच्छा, ये भी अभी कम है, यानी कि रेट अभी कम हुआ है माशाल्लाह। और ये कहरानी लग रहा है क्या है ये? नहीं, ये सुनाब पापलेट है भाई। सुनाब पापलेट। हाँ, अच्छा जी, तो इसके क्या रेट है? ये 850 रुपए किलो भाई, बिल्कुल चमकदार माल है, गोल्डन फ्रेश। अच्छा, तो बाकी ये देखो डाडी। ये बताना जरा, ये क्या? ये वाली है डाडी भाई। डाडी, हाँ, समुद्री किंग फिश यानी कि ना। अच्छा, ये समझ लो सबसे सबसे टॉप मछली, यानी गाय के में गाय के लिए सबसे अच्छी मछली यानी कि। अच्छा, चलें कभी ट्राई करेंगे, हम तो सारा हम खाते रहे वैसे। तो मतलब एक बता रहा हूँ। और इसके अलावा फिर और ये ईरानी पापलेट, ये है मेरे ख्याल से। ये हाँ, ये ईरानी है भाई। ईरानी क्या रेट चल रहा है आजकल? ये 600 रुपये किलो है भाई। 600 रुपये, हाँ 600 रुपये किलो ईरानी पापलेट, बिल्कुल ताज़ा चमकदार। अच्छा, और मीठा पानी कौन सी बता रहे थे आप? मीठा पानी की तो वो पड़ी हुई, ये पड़ी हुई रोहू। अच्छा, रोहू पड़ी है। और ये लाल जो, ये क्या है? ये हीरा, हीरा। अच्छा, ये भी हीरा है, तो बड़ी लाल हो रही है। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कनरचा। कलरचा, हाँ, यानी कि हीरे का गिलास।
इसकी क्या प्राइस है? ये भाई ये 850 रुपए किलो है भाई। 850 रुपए। अच्छा अच्छा। और ये पापलेटी की? ये सोल पीस। सोल पीस? हाँ सोल पीस है भाई। अच्छा ये डबल कलर में है? ओ जबरदस्त। एक तरफ वाइट एक तरफ ब्लैक। अच्छा इसकी भी खाल उतरी जाती है इसी हाथ से? मान लो ये व्हाइट पापलेट कालावट से बहुत अच्छा होता है भाई में ये। इसकी क्या प्राइस है? ये 600 रुपए किलो बेचते हैं बेटा। तलने वाली है पूरी? तो बहुत अच्छी बेचती तलने के लिए मेरा भाई। 600-650 रुपए। ये शिकारी बंदे इसको तो छोड़ते भी नहीं है भाई, ऐसी चीज होती है ये। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और ये छोटी मछली? ये लेडी फिश है भाई। अच्छा लेडी फिश। ये 250 रुपए किलो भाई। ये 250 रुपए किलो लेडी फिश? हाँ। चलो भाई ऐसे खाल करती है इसकी। ओ हो हो। अच्छा अच्छा अच्छा। ब्लैक खाल कर जाती है, वाइट हो जाती है ये। हमने भी यहाँ से लिए, इंशाल्लाह ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि ताजा माल का कैसा रहा जायका। ये प्राउन दिखाइएगा सर, क्या प्राइस है इसका? 1100 रुपए किलो। अच्छा। और ये नीचे है तो लेडी फिंगर हो गई, इसका तो मैंने मालूम किया था। और ये क्या है अपना? ये केकड़ा? केकड़ा क्या हिसाब है? ये गिलास से भाई, ये 400 रुपए किलो है। 400 रुपए किलो है? अच्छा। और ये चीज रखा हुआ नीचे सफेद सफेद, ही क्या है? अच्छा मैया। मैया इसका शिकार के लिए लेके जाते हैं बहुत से लोग। मैं गया एक दफा लांच के ऊपर ना, तो वो शिकार के लिए मैया वहीं से मार रहे थे, कुछ खरीद रहे थे। तो मैया क्या रेट चल रहा है आजकल? भाई 600 रुपए किलो है। अच्छा अच्छा। सुना मछली इस पे दाल लगती है? इस पे ज़्यादातर वो लगता है वो जो बड़ा सा जिस काला काला पानी निकलता है, क्या कहते हैं उसको? डैमरी। वो 1300-1400 रुपए किलो बिकती है वो। सही सही। चले जी हम आए मूसा कॉलोनी फिश मार्केट, और यहाँ बड़ी बड़ी फिश की दुकानें हैं माशाल्लाह से, तो आपको फिशरी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें आप कितना बड़ा बाजार है। ओके व्यूअर्स, हमने आपको प्राइस बता दी है यहाँ के मार्केट के, और वैरायटी भी बता दी है कौन कौन सी मछली है। दूसरी साथ साथ हम आपको एक मशवरा देते चले हैं कि जो हम ये फार्मी मुर्गी खाते हैं भाई, ये खाना छोड़ दें बिल्कुल भी, ये बिल्कुल बेकार है। ये इंजेक्शन लगा लगा कर इसको 30-35 दिन में तैयार करते हैं, हालांकि ओरिजिनल जो ग्रोथ टाइम है इसका वो है 8 से 6 महीने, 6 से 8 महीने तकरीबन में तैयार होती है मुर्गी, लेकिन ये लोग 30 से 35 दिन में तैयार कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल बेकार है हमारे जिस्म के लिए। इससे अच्छा ये है कि आप समंदरी मछली खाएँ। अच्छा मीठे पानी की मछली भी जो है वो फार्मिंग हो रही है आजकल, तो मीठे पानी की एहतियात करें ना खाएँ, समंदर की मछली ज़्यादा खाएँ। ओके जी, वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।